सुबह के नाश्ते में या बच्चों के टिफिन में आप कुछ भी हेल्दी देना चाहते हैं या शाम की चाय के साथ भी कुछ चटपटा और हेल्दी खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बनाने में भी आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूज देसी किचन। तो चलिए आज हम बनाते हैं हेल्दी, टेस्टी और फटाफट बनने वाली ये नाश्ते की रेसिपी। हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज की कटोरी में रेगुलर चावल जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो लिया है। इसको अच्छी तरह वॉश करके 4 से 5 घंटे हमने भिगो दिया है। चावल अच्छी तरह से फूल गया है, अब इसका हम सारा पानी ड्रेन आउट कर देंगे और इसको एक मिक्सर जार में हम चावल को डालेंगे। साथ में हम इसमें 2 उबले हुए आलू मीडियम साइज के, उसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो इसमें डालेंगे। 2 से 3 हरी मिर्च, आप मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा है ये, इसको डाला है। 2 बड़े चम्मच यहाँ पर हमने ताजा दही लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। बैटर बिल्कुल फाइन पीस कर तैयार हो गया है। अभी थोड़ा सा पतला यह लिक्विड लग रहा है, इसको हम एक बोल में, बड़े बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। बैटर को पूरे 1/4 कप हमने यहाँ पर इसमें सूजी ऐड की है, आप बारीक या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं बैटर के साथ। सूजी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, इसको कवर करके हम करीब करीब 20 से 25 मिनट साइड में रख देंगे। जब तक ये सूजी फूल रही है हम इसका एक फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। 1 छोटा चम्मच तेल हमने कढ़ाई में गर्म किया है, 1 चम्मच राई इसमें भून लेते हैं। 1/2 प्याज हमने यहाँ पर लिया है बारीक काट कर, उसको हम इसमें भून लेंगे। प्याज को पूरा नहीं भूनेंगे, हल्का सा केवल सॉटे कर लेंगे। 1/4 टीस्पून हींग पाउडर इसमें ऐड करेंगे, हींग से इस नाश्ते का टेस्ट काफी इनहेंस हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है इस नाश्ते में हींग का फ्लेवर। अब जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं आपके पास वो इसमें ऐड करिए फाइनली चॉप करके। हमारे पास बीन्स और गाजर था, हमने उसमें वही ऐड किया है। इसको हम भी 1 से 2 मिनट तक केवल भून लेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। सब्जियां अच्छी तरह से भून गई हैं। जब तक सब्जियां ठंडी हो रही हैं, एक प्लेट या थाली को पहले हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। बैटर को भी रेस्ट करके 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। जैसी कंसिस्टेंसी हमको चाहिए थी वैसी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। सूजी डालने के बाद ये बैटर थोड़ा सा थिक हो गया है। अब जो सब्जियां हमने फ्राई की थी वो सब्जियां भी ठंडी होगी, उसमें ऐड करते हैं। टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड करेंगे क्योंकि हम सब्जी में भी पहले नमक ऐड कर चुके हैं। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर इसमें डालेंगे। 1 चम्मच हमने यहाँ पर शेजवान सॉस ऐड की है, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सब चीजों को बैटर में एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पर हमने इनो का सैशे लिया है, 1/2 सैशे हमने इनो पाउडर का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि इनो पाउडर जो है वो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए। इनो पाउडर डालकर बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चारों तरफ से। इनो पाउडर डालने के बाद बैटर को बिल्कुल भी रखेंगे नहीं, जो थाली हमने ग्रीस करके रखी है घी लगा के या तेल लगा के उसके ऊपर ये बैटर हम डालेंगे। बस इसको अच्छी तरह से थाली को टैप कर लेंगे जिससे इसमें भी एक भी एयर बबल्स अंदर ना रहे। एक कढ़ाई या पैन में हमने पहले पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था, उसके ऊपर एक स्टैंड रखा है, कवर करके इसको 10 से 12 मिनट हम स्टीम कर लेंगे। 12 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आ रही है, इसका मतलब है ये अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ये ठंडा हो गया है, अब हम इसके पीसेस काट लेंगे। जो भी पीसेस आप जैसे भी शेप में काटना चाहे उसके हम पीसेस काट कर तैयार कर लेते हैं। हेल्दी नाश्ते के पीसेस हमने काट कर तैयार कर लिए हैं। इसको चेक करते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। आप चाहे तो इस नाश्ते को ऐसे भी खा सकते हैं, ये
इसके लिए हम एक तड़का भी चलिए तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए सेम पैन या कढ़ाई में जिसमें हमने सब्जियां फ्राई की थी, एक चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया, उसमें एक चम्मच राई और एक चम्मच सफ़ेद तिल को डालकर अच्छी तरह से पहले हम सौटे कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से चटकने लग गया है तो अब इसमें जो हमने नाश्ते के पीसेस काट के रखे वो इसमें पीसेस डालेंगे और इसके साथ अच्छी तरह से सबको मिला लेंगे। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको बारीक कटी हुई हरी धनिया से गार्निश करते हैं और हम इसको सर्व करते हैं। इस नाश्ते को हमने ताज़ी हरी चटनी के साथ सर्व किया है। टमाटर और हरी धनिया की ये चटनी है। ये नाश्ता देखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है और सबसे बड़ी बात ये हेल्दी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो सबके साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।